कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चारों तरफ बहुत तरीके का कचरा फैला होता है और प्लास्टिक इसमें से एक बहुत बड़ा कारण है। यूं तो हम खुद ही ये सब सामान खरीद के लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्लास्टिक उत्पादों को बनाने वाली कंपनियां भी इसके लिए ज़िम्मेवार हैं। डाबर इंडिया ने ऐसा ही एक इनिशिएटिव लिया और पिछले वर्ष में उन्होंने लगभग 2330 स्थानीय कचरा बिनने वालों की मदद से 14 लाख किलोग्राम विभिन्न प्रकार के जो कचरे थे प्लास्टिक के, उनको इकट्ठा किया, जो रिसाइकिल होने वाले थे उनको वहाँ भेजा। मतलब पूरी इन्वेस्टमेंट करके इन्होंने ये काम किया और इस साल इनका लक्ष्य 19 लाख किलोग्राम ये प्लास्टिक कचरा एकत्र करना। आज राजधानी लखनऊ में डाबर इंडिया कॉरपोरेट हेड पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा डॉक्टर प्रियंक आर्या ने इसकी जानकारी दी कि कैसे डाबर ने ये काम उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, मथुरा, आगरा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, साहिबाबाद, मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इस तरीके का अपशिष्ट ये इकट्ठा कर रहे हैं और ये बड़ा रिसाइकिल अभियान डाबर चला रहा। आइए बात करते हैं डॉक्टर प्रियंक आर्या से। प्लास्टिक खराब है या अच्छा है इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक सच्चाई है कि हम बिना प्लास्टिक के आज के समय में रह नहीं सकते। तो उसको ख़त्म करना, उसको हटाना एक अलग तरीका रहेगा। उसमें एक बाकी जो पैकेजिंग टीम है या जो डेवलपमेंट टीम है वो उस पर काम कर रही है और करते रहेंगे, लेकिन उसको हम एकदम से समाप्त कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, यूज करना बंद कर देंगे, ये संभव नहीं है। तो इसको देखते हुए 2016 में एक नया रूल आया था, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जिसमें सरकार ने सभी कंपनियों को ये दायित्व सौंपा था कि आप जो है आने वाले समय में जो भी आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के साथ में, और उसको जो है आप किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी आम व्यक्ति को देते हैं किसी भी फॉर्म में, उसको वापस लाने का एक सिस्टम बनाए। वो जो सिस्टम होगा वो सिस्टम जो है प्लास्टिक ख़त्म करने की तरफ नहीं होगा, बल्कि उसको कलेक्ट करके कैसे हम उसको रिसाइकिल का एक तरीका है उसमें ले जा सकते हैं, या उसको और जो दूसरे तरीके हैं जो बताए गए हैं उनको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए डाबर ने 2016 में जैसे ही ये नया नियम आया था इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, और हमने कुछ एक पायलट प्रोजेक्ट्स किए जो कि गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग हैं उनके साथ मिलकर, और उन प्रोजेक्ट्स से ये हमें पता चला कि हम इस प्लास्टिक को किस तरीके से इसको सही जगह पे पहुंचा सकते हैं, इसको जो है लैंडफिल साइट जो होती है कूड़ा घर जिसको बोलते हैं वहाँ पे जाने से रोक सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे आसपास यहाँ पे भी लखनऊ में या आसपास की जगह में बड़े कूड़ा घर हैं वहाँ पे ज़्यादातर प्लास्टिक की थैली, पन्नी, बोतल वो सब वहाँ पे मिलते हैं। अगर वो वहाँ जाने से बच जाए तो वो वहाँ नहीं जाएगी पहली बार, दूसरा मिट्टी में नहीं हो जमा होगी, इकट्ठा नहीं होगी, और वो आने वाले समय में उसका एक रिसाइकलिंग हो सकती है। तो इसलिए बताया, समझाया, उसको इंसेंटिवाइज किया, उनको अलग से अनुदान दिया, अलग से पैसा दिया कि आप हमारे पास उसको लेके आइए, हमारे कुछ एक ऑथराइज चैनल्स हैं, ऑथराइज कंपनी हैं, उनको आप दीजिए और वो उसको वापस लेके कूड़ा घर में जाने से बचाएंगे, उसको जो है रिसाइकलर जो है अप्रूव्ड रिसाइकलर है जो कि उससे दाना बनाते हैं, आप लोगों को पता हो कि उससे दाना बनता है, कुछ एक प्लास्टिक ऐसा है जो कुरकुरे है, चिप्स है, इस तरीके का जो चमकीला प्लास्टिक आता है उसको मल्टीग्रेन प्लास्टिक बोलते हैं, वो बहुत अच्छा फ्यूल रिसोर्स है, वो जलता है बहुत अच्छा। तो जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं उसमें हम उनको दे सकते हैं, और उससे कोल या जो भी वो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उससे उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब एक किलो अगर प्लास्टिक हम जलाते हैं तो लगभग 3 किलो जो है कोयला बचा सकते हैं। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर,
मथुरा, आगरा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, साहिबाबाद, मेरठ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, तो जो बड़े शहर थे जहाँ पे कि आसपास इंडस्ट्रीज भी हैं और पॉपुलेशन भी है, वहाँ पे इस पूरे साल को हमने इकट्ठा करने में अलग अलग एजेंसीज के सहयोग से किया। इस साल इसको अब आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी नई लर्निंग थी, बहुत सारी उसमें समस्याएं थी, सबको ठीक करते हुए इस साल फिर हम दोबारा से जो है लगभग 19 लाख किलो प्लास्टिक का टारगेट लिया है और इसको उसी माध्यम से आगे बढ़ाते हुए और शहरों को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, जो भी बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के शहर। तो ये हमारे इस साल का प्लान है। सर पिछले साल का कितना वॉल्यूम बताया आपने? हमारा पिछले साल का 14 लाख और इस बार 19 लाख का 19 लाख है। और जो हमारा टोटल प्लास्टिक जनरेट होता है हमारे प्रोडक्ट के साथ, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उत्तर प्रदेश में, हम लगभग जो है 30 लाख किलो प्लास्टिक जनरेट करते हैं। ये हमारी सेल जो भी वॉल्यूम होता है उससे हम वापस कैलकुलेट करके बता सकते हैं किसी भी शहर में कितना प्लास्टिक। तो वो हमारा टारगेट है कि हम 2021 में इसको 100% वापस लाने का सिस्टम मैकेनिज्म बना देंगे। ये डाबर कंपनी का कमिटमेंट है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, और इसको पूरी तरह से निश्चित करने के लिए कि ये काम हो, ये हमने गवर्नमेंट को भी बताया हुआ है कि हम ये कर रहे हैं और ये ऐसा करेंगे। ये देखेंगे आसपास अपने, तो एक रिजिड प्लास्टिक होते हैं जो रिसाइकिल होता है, जैसे बोतल है, पानी की बोतल है, वो रिजिड प्लास्टिक है। एक है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक जो कि कुरकुरे चिप्स है, शैम्पू के पाउच है, गुटखा है, वो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग होता है, कोई कलेक्ट नहीं करता, तो वो कोई कलेक्ट नहीं करता। तो जो रिजिड प्लास्टिक है वो ऑलरेडी एक सिस्टम के थ्रू सब इकट्ठा करते हैं क्योंकि उसका पैसा मिलता है उनको इकट्ठा करने का, लेकिन जो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है उसका पैसा कोई नहीं देता। तो जो पूरा ध्यान है वो दोनों तरीके के प्लास्टिक को उठाने पर है कि जो अगर हम पूरे भारत का एक अनुमान लगाएं तो रिजिड प्लास्टिक है वो 70% तक अभी रिसाइकिल हो रहा है, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स है। लेकिन जो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है वो रिसाइकिल नहीं हो रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा है, वो सिस्टम में ही पड़ा हुआ है, इसीलिए वो कूड़ा दिखता है। उसका हमने कुछ उन्हें पैसा दिया, अनुदान दिया कि आप हमें 1 किलो लाएंगे तो हम आपको 5 रुपये देंगे, 1 टन लाएंगे तो आपको 5,000 रुपये मिलेगा, एक एग्जाम्पल। उससे क्या है कि उसको एक तो इनकम बढ़ी, जो कूड़ा उठाने वाला है जो 100 रुपये कमाता था वो 150 रुपये कमाने लगा और वो उसको इंसेंटिवाइज किया, उसको ये बताया ट्रेनिंग के थ्रू कि जो है आप इस प्लास्टिक को लेके हमें दीजिए, आप कहीं मत भेजो, हमारे ऑलरेडी अलग अलग शहर में अलग अलग कलेक्शन सेंटर्स हैं, उस कलेक्शन सेंटर पे वो आएगा, वहाँ पे वो इकट्ठा होगा, बेल होगा, कॉम्पैक्ट होगा और वो ट्रक लोड बन के सीमेंट इंडस्ट्री को चला जाएगा। तो ये पूरे भारत में हम कर रहे हैं, लेकिन यूपी एक बड़ा शहर है, बड़ा स्टेट है, उसको देखते हुए यहाँ पे इस साल हमने जो है 19 लाख किलो प्लास्टिक के लिए इकट्ठा करने का टारगेट लिया है और 30 लाख हम टोटल जनरेट करते हैं किलो, वो हम अगले साल तक 2021 तक जो है वो पूरा कर देंगे। ये सीमेंट फैक्ट्रीज तो इसका कुछ पे तो करती नहीं होंगी? नहीं, कोई अभी पे नहीं करता, ये आपकी तरफ से ये इनिशिएटिव है जी आज की डेट में है। लेकिन ये भी हम प्रेशर कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जो है इसका कुछ हमें मिलना शुरू हो, जिससे कि मतलब जब पैसा किसी चीज़ का भी मिलेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी सप्लाई बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी। कितना खर्चा आ रहा है इसमें अगर मोटा मोटा पूरा देखें कि उठाने से लेके ट्रेनिंग देना, फिर उसको एक जगह पे लेके जाना, फिर ट्रांसपोर्टेशन और फिर उसके बाद जो है उसको सीमेंट इंडस्ट्री तक पहुँचाना, ये पूरा प्रोसेस है, इसमें लगभग 8 रुपये से लेके और 14 रुपये का खर्चा आता है 1 किलो का, यानी कि 8,000 रुपये टन से लेके 14,000 रुपये टन तक का इसमें खर्चा आता है एक कंपनी को जो कॉस्ट पड़ती है। क्योंकि आज की डेट में इसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, गवर्नमेंट ने दूसरी परमिशन दे नहीं रखी है कि आप किसी भट्टे में जला दीजिए, किसी छोटी इंडस्ट्री में जला दीजिए, वो संभव नहीं है, वो अलाउ ही नहीं है। तो वो जाएगा तो इस सीमेंट प्लांट को जाएगा या तो, या बड़े बड़े वेस्ट एनर्जी प्लांट हैं जो कि वेस्ट को जलाते हैं उस एनर्जी उसको जाएगा, या रोड कंस्ट्रक्शन में भी इसका जो है प्रयोग शुरू हो गया है, लेकिन अभी वो उतने बड़े स्केल का नहीं है, शुरू हुआ है वो है। प्लस इससे एक जो है तेल निकालते हैं, इसको एक पायरोलिसिस टेक्निक बोलते हैं कि उससे तेल निकालते हैं एज लाइक डीजल, वो भी एक तरीका है, लेकिन वो बहुत छोटे स्तर पर है।
जैसे जैसे वो सब बढ़ेंगे, एजेंसी बढ़ेंगी, क्योंकि हर एक चीज़ का एक इकोनॉमी